हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली कमोडिटीज। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले नेचुरल गैस का वीकली ओवरव्यू करेंगे और आपको नेक्स्ट वीक किस तरह के मोमेंटम्स देखने को मिल सकते हैं, अपसाइड एज वेल एज डाउन साइड में आपको कौन से लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, तो वो सब बात करने वाले हम इसी वीडियो में। सो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हमने 1 आवर की टाइम फ्रेम यूज किया ताकि हम अच्छी तरीके से कन्वीनियंस वे में अच्छी तरीके से ले सके कौन से आपको हाई एज वेल एज लो आपको देखने को मिले हैं विद इन इन दिस वीक। सो हम सबसे पहले जो डाउन लेवल अगर हम देखते हैं तो है वो वाला नियर बाय 212 के नियर बाय आपको क्लियरली देखने को मिला। डेट इज यहाँ पर सपोर्ट लिया है, यहाँ पर सपोर्ट लिया और इससे ब्रेक नहीं हो पा रहा। और अगर हम एकदम हाई प्राइस लें कि आपको अपसाइड में भी आपको कौन सा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो ये एक अच्छे खासे फेस में जरूर चल रहा है, तो मेरे हिसाब से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट यहाँ पर टच करके एक अच्छा सा डाउन ग्रेडेशन डेट इज सेलिंग प्रेशर आपको जरूर देखने को मिला। बट फिर से देख सकते हो कि यहाँ पर ऊपर जा रहा है और ये जो लेवल है वो भी मेरे सबसे काफ़ी स्ट्रांग है, बिकॉज ये जो प्राइस लेवल है उसके अंदर भी आपको एक अच्छा सा मोमेंटम कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सो अगर मंडे को अच्छी खासी ओपनिंग होती तो मेरे सबसे फर्स्ट टारगेट आप नियर बाय 229 या फिर 230 का जो टारगेट होगा मिनिमम आपका अपसाइड पे आपको आराम से देखने को मिल सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मेरे सबसे अच्छा खासा अच्छी खासी बुल मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है नेचुरल गैस जून फ्यूचर्स के अंदर। बट मोस्ट प्रोबेबली मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आकर ये लेवल पर आकर फिर से थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर आपको जरूर देखने को मिल सकता है। सो आपको कॉशियस रहना है। अगर इधर से अगर समझो दो या एक दो कैंडल अगर बैरिश मोड पर आ जाती तो मेरे हिसाब से आपको सेलिंग प्रेशर की भी तैयारी कर लेनी चाहिए। यहाँ से अच्छा सा आपको डाउन ट्रेंड जरूर देखने को मिलेगा और 5 to 2 or 3 or 4 पॉइंट्स आपके आराम से कवर हो सकते हैं इंटरडे लेवल के अंदर भी, जब कभी एक सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस को टच करके फिर से उसकी अपोजिट साइड पे मूव ऑन करता है तब। सो होप करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी एज वेल एज आपकी ट्रेडिंग करने के नजरिए के हिसाब से भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी। एज वेल एज इस तरह की जो लेवल्स अगर आपको जब देखने को मिलते हैं तो आपको एक माइंड में साइकोलॉजी आ जाती है कि इस तरह के मूवमेंट के अंदर ही हमें ट्रेड करना है और कौन से टाइम पे हमें ट्रेड नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने जिसने फ्राइडे को पोजीशन बनाई तो अगर समझ लो मंडे को अच्छी खासी ओपनिंग होती तो मेरे हिसाब से आप स्क्वायर ऑफ पोजीशन जरूर कर सकते हो। बट आपको नई पोजीशन तब तक नहीं बनानी जब तक ये वाला जो लेवल है अगर उसको अच्छी तरीके से ब्रेक करके ऊपर नहीं जाता है तब। एज वेल एज समझ लो यहाँ से फिर से सेलिंग प्रेशर आना स्टार्ट करता है तो आपको यहाँ पर नियर बाय शॉर्ट पोजीशन की तैयारी करनी चाहिए। सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और माय चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन बाय बाय।